नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल। सो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अष्टविध परीक्षा के बारे में। अष्टविध परीक्षा, योग रत्नाकर ग्रंथकर्ता ने इस अष्टविध परीक्षा का खासकर वर्णन करा किया है। आयुर्वेद में वैसे तो बहुत सारी परीक्षा है, त्रिविध परीक्षा है, चतुर्विध परीक्षा है, दशविध परीक्षा है, किंतु हर एक परीक्षा का अपना महत्व होता है। जैसे त्रिविध परीक्षा में हम दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न परीक्षा, फिर चतुर्विध परीक्षा, इसमें हम श्रवण परीक्षा ऐड कर सकते हैं, इसी के साथ अष्टविध परीक्षा। सो नाड़ी मलमूत्र जीवा शब्द स्पर्श दुख आकृति ही, इस प्रकार से अष्टविध परीक्षा योग रत्नाकर ने बताई है। तो सबसे पहले हम नाड़ी के बारे में बात करते हैं। नाड़ी यानी पल्स, इट इज द एक्सपेंशन एंड इलोंगेशन ऑफ द आर्टेरियल वॉल। सो इसको एक और अगर हम इसके एग्जामिनेशन के तरीके को देखेंगे तो आयुर्वेद में विस्तार से नाड़ी परीक्षा का वर्णन किया है। नाड़ी परीक्षा आयुर्वेदिक निदान का एक चिकित्सा का एक बहुत ही बेहतरीन हिस्सा है, या बहुत पहले से इसका प्रयोग किया जाता अभी भी है। जैसे प्राचीन काल में अगर हम देखेंगे तब कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं था, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं थे वहां पे, तो तब से लेकर और कई सारे इजिप्त है, चाइना, ये कई सारे जगह पे, कई सारे देशों में भी इस प्राचीन नाड़ी चिकित्सा पद्धति का परीक्षा का अवलंब किया जाता था। तो एक बहुत ही आसान तरीका था, राजवैद्य या नाड़ी वैद्य वहां पे उस वक्त हुआ करते थे। तो केवल मतलब केवल नाड़ी का परीक्षण कर ही वैद्य सारे वैद्यों का ज्ञान कराते थे, ज्ञान देते थे। तो कई सारे पिक्चर्स में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से नाड़ी परीक्षा की जाती थी। नाड़ी परीक्षा के लिए कोई साधन की जरूरी नहीं है, कोई विद्युत ये नहीं चाहिए, कोई वैज्ञानिक भी नहीं चाहिए। तो एक सिंपल तरीका है जिसमें केवल आप अपनी तीन अंगुली से रुग्ण के नाड़ी पर, रेडियल आर्टरी पर, रेडियल आर्टरी इज द कॉमनेस्ट आर्टरी विच इज यूज्ड फॉर नाड़ी परीक्षा। तो बहुत सारी जगह पे भी नाड़ी परीक्षा की जाती है, पॉपुलेटल आर्टरी है, फीमोरल आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी इज देयर, सो मेनी साइट्स आर देयर। बट इनमें से सबसे आसान तरीका जो है वो है वही प्रकोष्ठास्थि। तो रेडियल आर्टरी के ऊपर हम नाड़ी परीक्षा कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, इसमें किसी को कुछ दिक्कत भी नहीं होती है। पहले तो मतलब जैसे मैं पढ़ाते समय भी बताती हूँ कि पहले तो जब घोषा पद्धति थी, स्त्रियां ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी, तो स्त्रियों का परीक्षण करने के लिए बहुत ही आसान तरीका था, केवल हाथ देखकर, नाड़ी देखकर ही नाड़ी परीक्षा से दोषों की स्थिति, और इस दोषों की स्थिति से फिर साध्य साध्यत्व, कष्ट साध्यत्व, किस दोष, कौन से दोष उसमें है, और इसको लेकर फिर चिकित्सा कैसी होती है। तो इस प्रकार का ज्ञान अत्यंत प्राचीन पद्धति है ये नाड़ी परीक्षा। तो मुझे लगता है आज भी नाड़ी परीक्षा का अपना एक महत्व है, या नाड़ी परीक्षा की आज भी जरूरत है, क्योंकि आयुर्वेद का ही ये एक अंग है, या आयुर्वेद की एक स्पेशलिटी है नाड़ी परीक्षा। तो आज भी कई बार हमें सुनने को मिलता है कि यहाँ पर ये एक वैद्य है और केवल नाड़ी देखकर ये बताता है, तो हमें बहुत आश्चर्य लगता है। किंतु मुझे लगता है नाड़ी परीक्षा से इजी कोई परीक्षा हो ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत आसान है। इसमें हम केवल तीन अंगुली से नाड़ी के बारे में जान सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि किस प्रकार से ये परीक्षा करें। नाड़ी परीक्षा की वैसे तो ज्यादा उचित उचित समय आयुर्वेद में हर एक जो भी परीक्षा है, जैसे कोई भी परीक्षा अगर हमें करनी, मूत्र परीक्षा भी प्रातःकाल करनी होती है, या उसी प्रकार से नाड़ी परीक्षा का समय भी सवेरे उठने के बाद, मलमूत्र विसर्जन के बाद, खाली पेट अगर हम नाड़ी परीक्षा करते हैं तो दोषों की स्थिति के बारे में हमें सही अंदाज आता है, या सही तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है ब्राह्मी मुहूर्त, सवेरे सवेरे आप नाड़ी का परीक्षण करें। खाली पेट अगर नाड़ी का परीक्षण करेंगे, नाड़ी परीक्षा में आसानी भी होगी और आप अच्छे से उसे समझ पाओगे। नाड़ी परीक्षा के लिए जैसे मैंने अभी बताया कि क्या यूज करना है, तो यहाँ पे हमें हमारी तीन अंगुलियों का यूज करना है, और तीन अंगुली से रेडियल आर्टरी पे, जो कि अंगुष्ठ के नीचे, यहाँ पे तीन अंगुली रखकर हमें इस प्रकार से नाड़ी परीक्षा करनी है। यहाँ पे दोषों के अनुसार हम देखेंगे तो नाड़ी तीन प्रकार की होती है, वातज, पित्तज और कफज। तो जो पहले अंगुली को हमारी प्रतीत होती है वो वातज नाड़ी होती है, दूसरे मध्यम अंगुली को जो प्रतीत होती है वो पित्तज नाड़ी होती है, और तीसरे अंगुली को जो प्रतीत होती है वो कफज नाड़ी होती है। तो इस प्रकार से केवल तीन अंगुली से ही हम इस तरीके से यहाँ पे रेडियल आर्टरी पे थोड़ा सा प्रेशर आपको देना है,
थोड़ा सा प्रेशर देके आपको दोषों को समझना है। मैं आयुर्वेदिक नाड़ी परीक्षा के बारे में बता रही हूँ, मॉडर्न एस्पेक्ट से भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार से पल्स होती है। एक्चुअली पल्स इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट। नाड़ी की परीक्षा क्यों करनी है, जैसे मैंने अभी बताया कि एक प्राचीन तरीका है दोषों की स्थिति समझती, केवल दोषों की नहीं तो नाड़ी इट्स लाइक जैसे मैंने अभी कहा ये एक मिरर है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। नाड़ी से हमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पता चलता। तो यहाँ पे मैं जस्ट शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, इज इट विजिबल। सो जैसे मैंने अभी कहा कि इस प्रकार से आयुर्वेद के हिसाब से जो तीन दोष है, तीन दोषों से तीन नाड़ी, जैसे वात पित्त और कफ। वात की नाड़ी को, नाड़ी को पर्याय रूप में जो शब्द है उसमें जीव साक्षिणी, हंसा, धरा, धरणी, स्नायु, तो जीवन की साक्ष्य देने वाली ये नाड़ी होती है। तो नाड़ी का लगना ये हमारी जीवन की निशानी है। नाड़ी के आयुर्वेद के हिसाब से तीन प्रकार है, वात नाड़ी जो कि सर्पगति जिसमें होती है, तो वात नाड़ी अस्थिर चंचल गतिमान होती है क्योंकि वात का मुख्य गुण होता है चंचलता, लघुता और चलत्व, गतिता, गतिमानता। पित्त की नाड़ी जो मंडूक की तरह, जैसे मंडूक यानी बेडूक मराठी में हम कहते हैं, तो ये बीच बीच में ये नाड़ी लगती है और बीच में ये नाड़ी छूटती है, इस प्रकार से उसकी गति होती है कि बीच बीच में ये लगती है, इस प्रकार से इसकी मूवमेंट होती है। कफ की नाड़ी होती है थोड़ी सी गुरु हंस, लेकिन ये एक विशिष्ट गति से या विशिष्ट लय के साथ चलती है, लयबद्धता इसमें होती है। जैसे हंस जो है, जिस कफ की व्यक्ति को हम एक मतलब डौलदार कहते हैं, एटबाज कहते हैं, जो कि एक विशिष्ट गति से चलता है, लयबद्ध होता है। तो बेसिक मैं यहाँ पे बता रही हूँ। नाड़ी परीक्षा तो कई तरह की है, अलग अलग, आजकल तो बहुत ज्यादा मायने में अलग अलग तरीके से लेयर्स वाली धातुगत नाड़ी दोषों के हिसाब से। तो मैं जस्ट अष्टविध परीक्षा में किस प्रकार से नाड़ी की परीक्षा होती है, इसमें हम डीप में भी जा सकते हैं, जैसे दोषों के प्रकार से, धातु के लेवल से या पंचमहाभूतों के लेवल से भी हम इसमें पढ़ सकते हैं। किंतु बेसिक देखेंगे तो केवल मतलब कौन सी भी तरीके से हम नाड़ी परीक्षा करें, किंतु देखना तो हमें दोषों पे ही है, क्योंकि दोषों से ही शरीर बना है या दोषों से ही प्रकृति बनी है, और इसको लेकर ही हम आगे चिकित्सा या निदान करने वाले होते हैं। तो तीन, जैसे मैंने अभी बताया, तीन अंगुली रखकर आपको वात पित्त और कफ, इन तीनों दोषों के गति में ध्यान होता है, और इसकी तुलना हम प्राणी से करते हैं, क्योंकि प्राणी से तुलना करने से हमें ज्यादा मतलब कोरिलेट करना ज्यादा आसान होता है। तो समय हो गया, पद्धति हो गई, मणिबंध संधि पे या अरिडियल आर्टरी पे ही हमें इसे करना है। इसी के साथ नाड़ी परीक्षा
को लेकर बहुत सारा डिटेल में हम जा सकते हैं, जैसे स्त्रियों की मतलब बाएं हाथ की या पुरुषों के दाएं हाथ की नाड़ी का परीक्षण क्यों करें, यहाँ पे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का भी संबंध होता है, जैसे ईड़ा नाड़ी और पिंगला, पिंगला सूर्य प्रधान होती है, ईड़ा सोम प्रधान होती है, तो स्त्रियों के बाएं हाथ का परीक्षण करने के लिए कूर्म की स्थिति भी बताई है। कूर्म एक ऐसी रचना है जो नाभि के नीचे होती है और इस कूर्म की स्थिति के अनुसार ही स्त्रियों में बाएं हाथ की नाड़ी देखने का विधान किया है ग्रंथों में। इसका कोई शास्त्रीय कारण तो नहीं है किंतु एक इस प्रकार से कूर्म को लेकर वर्णन किया है। तो वैसे तो इमरजेंसी कंडीशन में हम कोई भी हाथ की नाड़ी देखेंगे तो रिजल्ट तो वही आने वाला है, दोनों हाथों की नाड़ी आप देख सकते हैं। एक आसानी के लिए, सुविधा के लिए या कूर्म की स्थिति को देखकर बाएं हाथ या दाएं हाथ के बारे में बताया है। इसी के साथ ब्रह्म मुहूर्त का एक विधान मैंने अभी बताया कि ब्रह्म मुहूर्त पे ही हमें नाड़ी परीक्षा करनी है, ये आयुर्वेद तरीका हो गया। इसके साथ साथ मॉडर्न अगर हम देखेंगे पल्स, तो जैसे मैंने अभी कहा पल्स एक्सपेंशन एंड इलॉन्गेशन ऑफ द आर्टेरियल वॉल, पल्स डिनोट करता है हार्ट रेट को भी, तो पल्स के लिए भी जैसे अभी मैंने बताया वही तरीका है, सेम रेडियल आर्टरी को आपको पालपेट करना है और एक फुल एक मिनट के लिए आपको ये पल्स प्रतीत करनी है, फील करनी है आपको ये पल्स। पल्स के लिए मॉडर्न पैरामीटर्स के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है रेट यानी गति। नॉर्मली पल्स 72 पर मिनट या 70-80 इस प्रकार से होती है। इसमें भी मतलब एज के अनुसार बदलाव आता है, फिटल चाइल्ड चिल्ड्रंस में ज्यादा होती है फिटल, इसमें 140 इसका ये होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एज अडल्ट एज तक आने तक ये 70-80 के बीच में होती है। एथलीट्स जो होते हैं जिनको रेगुलर एक्सरसाइज करने की आदत होती है, इनमें थोड़ा पल्स का रेट जो होता है वो कम होता है, इनमें 60 तक भी अगर होता है पल्स रेट तो नॉर्मल कहा गया है। इसी के साथ साथ फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस हम देखेंगे, जैसे एज के बारे में है, मेल और फीमेल में वैसे तो नाड़ी की गति में कोई बदलाव नहीं आता है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो पल्स की गति थोड़ी मतलब बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाता है। एक्सरसाइज आप करते हो ज्यादा, कुछ काम करते हो, चलते हो, दौड़ते हो, गिरते हो, तो इस प्रकार की ज्यादा गतियां जिसमें होती है इनमें भी पल्स रेट बढ़ जाता है। जब 90 के अबोव ये पल्स रेट बढ़ जाता है तो इसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं, और 60 के बिलो अगर होता है तो इसे हम ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। अल्ग अलग कंडीशंस है पल्स के, पल्सेस अल्टरनेट इज देयर, पल्सेस पैराडॉक्सिस है, तो ये मतलब क्लिनिकली अगर जितना ज्यादा हम इसमें जाएंगे तो उतना मतलब डीप या पल्स के वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। रेट के बाद आता है रिदम, वेदर इट इज इरेग्युलर और रेगुलर। तो नॉर्मल पल्स तो रेगुलर होती है, कई सारे हार्ट डिसीजेस में रेगुलरली इरेगुलर, इरेगुलरली रेगुलर, तो अलग अलग कंडीशंस भी इसमें हो सकती है। रेट, रिदम, कंडीशन ऑफ द वेसल वॉल, इसकी कंडीशन कैसी है, फिर आयुर्वेद में भी बताया है कि नाड़ी परीक्षा हमें 3 बार नाड़ी की परीक्षा करनी है, मतलब एक बार हमने परीक्षण किया फिर छोड़ देना है, फिर दूसरी बार करना है और फिर 3 बार करना है, तो 3 बार करने से हमें निश्चित स्वरूप से ज्ञान आता है। ऐसे ही मॉडर्न हिसाब से भी कहा है कि बहुत मतलब दोनों हाथों में हमें पल्स देखना है। इसी के साथ फोर्स, टेंशन, ये भी चीजें हमें देखनी है, तो कितना हमें जब हम फिंगर्स से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो कितनी जल्दी हमें ये फील करती है, पल्स हमें लगती है, इसके ऊपर इसका वॉल्यूम डिपेंड करता है। अगर ब्लड का वॉल्यूम अच्छा होता है तो ये हमें जल्दी फील होती है, तो इसे हम स्ट्रांग भी कहते हैं, स्ट्रांग कह सकते हैं, या इसकी मतलब इसका बल अच्छा होता है। और नाड़ी लगाने के लिए हमें ज्यादा मतलब दबाव देना पड़ता है, ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, अगर ब्लड का वॉल्यूम कम होता है या वीकनेस होता है में, तो ये नाड़ी लगने के लिए हमें ज्यादा प्रेशर उसको अप्लाई करना पड़ता है। तो इस तरह से फोर्स, टेंशन, कंडीशन ऑफ द वेसल वॉल, दोनों हाथों की नाड़ी देखना, ये मॉडर्न के हिसाब से पल्स के पैरामीटर्स होती है, पल्स हमें इस प्रकार से देखनी होती है। तो नाड़ी परीक्षा के बाद नाड़ी परीक्षा का महत्व सवेरे करना है, प्रातः काल में करना है, या दोषों की स्थिति इससे हमें पता चलती है। नाड़ी के बाद आता है नाड़ी मलमूत्र जीवा शब्द स्पर्श द्रुप आकृति। तो नाड़ी के बाद है मल परीक्षा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मल परीक्षा को तो बहुत ज्यादा दुर्लक्ष किया जाता है। महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध वैद्य थे वैद्य बिंदु माधव कट्टी, आज भी कई सारे पुराने वैद्य ऐसे हैं कि जो कि मल परीक्षा करते हैं। अभी हम मल परीक्षा करना थोड़ा असुविधाजनक लगता है, किंतु कृमि जैसे अगर वैधि होते हैं या ग्रहणी है, प्रवाहिका है, कोई इन्फेक्शन है, तो मतलब मल का भी अपना एक महत्व है। मलिनीकरणात मलः,
बहुत सारे वैदियों में मल का संरक्षण करना है, मल के ऊपर ही उसका बल डिपेंड करता है। जैसे राजयक्ष्मा में बताया है कि मल पे ही उसका बल रहता है। तो मल परीक्षा बेसिकली हमें ऐसे लगता है कि बस लक्षण देखिए और हम चले, ऐसा नहीं होता है। तो मल की भी परीक्षा क्यों जरूरी है, क्योंकि हम आयुर्वेद के हिसाब से तो रोगा सर्वेपि मंदा, अग्नि का अच्छा होना, और अग्नि से ही पचन होता है शरीर में, और पचन के बाद जो सार कित्त विवेचन होता है तो उसमें सार भाग से शरीर का पोषण होता है, और कित्त भाग से दो प्रकार के कित्त बनते हैं, एक तो द्रव मल और घन मल। घन मल में पुरुष होता है और द्रव मल में मूत्र को हम देख सकते हैं। तो मल की परीक्षा के लिए एक सिंपल हम उसको मल प्रवृत्ति के बारे में पूछेंगे कि मल प्रवृत्ति कैसी होती है, उसका स्वरूप क्या है। मल प्रवृत्ति का केवल स्वरूप देखकर भी हम दोषों का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे वात दोष की प्राधानिकता होती है, वात प्रकृति की व्यक्ति होती है, तो इसमें मल थोड़ा सा मल प्रवृत्ति सकष्ट होती है। मल अल्प कृष्ण ग्रथित होता है, मल शरीर के बाहर निकालने के लिए भी ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो हमेशा इनमें मलावष्टम्भ की स्थिति होती है। और मल अल्प होता है, कृष्ण वर्ण होता है, रुक्ष होता है, गाठी जैसे भी हो सकता है। पित्त का व्यक्ति अगर होता है तो प्राकृततः ही इसमें द्रव शिथिल मल होता है। द्रव शिथिल मल ये प्राकृत पित्त का लक्षण है, या पित्त प्रकृति के व्यक्ति में नॉर्मली मल द्रव और शिथिल भी हो सकता है। कफ में बांधी मल आता है, जैसे हम केले के जैसी मल प्रवृत्ति बोलते हैं, तो मतलब इसमें कोई रुक्षता भी नहीं होती है और ज्यादा लूज या शिथिल मल भी नहीं होता है, तो एक फॉर्म्ड स्टूल जो होता है वो होता है। पुरुष का प्रमाण वैसे तो 700 ग्राम ऐसे बोला है, या सप्तांजलि इस अंजलि प्रमाण में बोला है, तो वात में मल की मात्रा कम होती है। इसी के साथ साथ मल का परीक्षण या मल के बारे में जैसे मैंने अभी बताया, वो प्रश्न पूछकर भी हमें कोष्ठ का अंदाजा आता है। मल परीक्षा से कोष्ठ कैसा है, कोष्ठ क्रूर है, मृदु है, मध्यम है, तो कोष्ठ परीक्षण कर हम शोधन शमन सारे जो भी बाकी के पंचकर्म के जो विधि है उसके लिए भी हमें जो चयन करना होता है, औषधि का, द्रव्यों का, तेल का, कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में हम विरेचन दे, इसके बारे में हमें ये मल परीक्षा या कोष्ठ की परीक्षा कर ही हमें अच्छा मतलब हम कर सकते हैं। बिना कोष्ठ परीक्षण किए गए अगर हम शोधन करेंगे तो हमें अच्छे मतलब उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्रूर कोष्ठी व्यक्ति में क्रूरता होती है उधर में पक्वाशय की गति में, और यहाँ पे मतलब मल भी वृक्ष होता है, तो वहां पे विरेचन हमें ज्यादा मात्रा में लगता है। तो इस प्रकार से हमें विरेचन देने के पहले कोष्ठ का परीक्षण और मल कैसा हो। मल अगर नॉर्मल स्टूल, बहुत बार रुग्ण अच्छे से नहीं बताते, कुछ संकोच करते हैं मल परीक्षा या मल के बारे में बताने के लिए, किंतु हमें मल कैसा है या मतलब मल क्योंकि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, फिर भी मल से ही हमें अग्नि का भी परिचय होता है, मल से ही हमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है या दोषों की जो स्थिति होती है उसके बारे में भी हमें पता चलता है। तो ये हो गया मल के बारे में प्रश्न। तो इसी के साथ साथ जैसे मैंने कल पढ़ाया आम, तो आम यानी एक प्रकार का अपक्व पदार्थ, तंतुल पदार्थ, चिकट पदार्थ, इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, एक विशाल विषैला पदार्थ हम इसे कह सकते हैं। ये विषैला पदार्थ शरीर में जब बनता है तो दोषों को, धातु को और मलों को भी सामत आती है, जिसे हम साम मल, साम जिह्वा, साम मूत्र, इस प्रकार से हम इसका वर्णन करते हैं। आयुर्वेद में जितना महत्व अग्नि को दिया है उतना ही महत्व अग्निमान्द जनित जो आम है, क्योंकि बहुत सारे कल ही हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से आम दोष से व्याधि मतलब होता है या सामता दोषों में आती है और किस प्रकार के लक्षण मिलते हैं। तो मल साम है, निराम है, मल पानी में तैरता है या डूब जाता है, इससे साम निरामता का परीक्षण करना चाहिए। इसी के साथ दूसरा है, अभी मैंने बताया मल वेग कितने आते हैं, नॉर्मली एक से दो मल वेग आना ये प्राकृतिक बात होती है, किंतु इनडाइजेशन अगर होता है तो मल वेग में बदलाव आता है, काफी बदलाव हमें देखा जाता है। पित्त प्रकृति में एक से तीन बार मल प्रवृत्ति का आना ये भी प्राकृत है, एक से तीन बार मल प्रवृत्ति आती है और मल प्रभुत होता है मतलब ज्यादा मात्रा में, क्योंकि प्रभुत आसन पान ये पित्त का लक्षण है, तो ज्यादा खान पान होता है, अग्नि भी तीक्ष्ण उष्ण होता है तो गति से पचन होता है, और मल भाग इसमें एक्चुअली पित्त प्रकृति के व्यक्ति में मल ज्यादा बनता है, मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स, मल भी ज्यादा बनता है, मूत्र प्रवृत्ति भी ज्यादा या स्वेद भी ज्यादा बनता है, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स ज्यादा बनते हैं। तो मल वेग कितनी बार आता है, कफ प्रकृति में तो मल नियमित होता है,
मतलब भोजन या कोई भी प्रकार का गुरु पदार्थ स्निग्ध पदार्थ अगर उसने खा भी लिया तो उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आता है, मतलब जिस ज्यादा उसमें कुछ फर्क हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से मलवे के बारे में पूछ कर भी हम हमें पता चलता है उसकी डाइजेशन स्थिति के बारे में। इसी के साथ मल का वर्ण, मल का वर्ण नॉर्मली किन मतलब थोड़ा पीला वर्ण होना ये मल का प्राकृत वर्ण होता है, लेकिन कामला जैसे व्याधि में विपीतता बढ़ती है और रुद्धवत कामला में तिल पिष्टवत मल रहा है, तिल की जो पेंडी होती है मतलब तिल के जैसे मैला वर्ण होता है ये, तो तिल पिष्टवत मल होना ये कामला का भी एक लक्षण होता है। तो वर्ण के बारे में भी हमें पूछना है, एकदम सफेद वर्ण या जब कृमि इन्फेक्शन होता है जंतु का इन्फेक्शन अगर होता है तो इसमें भी वर्ण में बदलाव आता है। प्रमाण के बारे में मैंने अभी बताया कि प्रमाण वात में प्रमाण कम होता है, पित्त प्रकृति में या प्रमाण ज्यादा होता है, और कफ में विशिष्ट रूप से बांधी उमल उसमें रहता है। विकृति के बारे में अगर हम देखेंगे तो जलोदर जैसे व्याधि जो होते हैं उसमें श्वेत और दुर्गंधी मल होता है, जब क्षय जैसा विकार होता है शोष होता है राजविक्षमा होता है या बल कम होता है रुग्ण का, तब मल थोड़ा सा कृष्ण वर्ण का भी होता है, काला मल इसमें हो सकता है। इसी के साथ साथ जैसे मैंने अभी बताया आम दोष अगर होता है तो मल में पीलापन बढ़ जाता है, अग्नि की क्रिया अच्छी नहीं होती है तो भी स्टूल जो फॉर्मेशन होता है स्टूल फॉर्म्ड नहीं आता है तो मल पतला होता है या इसमें मतलब एक प्रकार की द्रवता थोड़ी ज्यादा दिखती है मल, मतलब अग्नि अगर मंद होता है तो। मल जीर्ण है मतलब ज्यादा दिन तक मल इंटेस्टाइन में रहा है जीर्ण मल है तो ये दुर्गंधी भी होता है और थोड़ा शीत गुण वाला भी होता है। इस प्रकार से मल परीक्षा जो है तो मल परीक्षा के बारे में हमें सामता निरामता मल वेग कितने आते हैं वर्ण और जैसे पेशेंट के लक्षण के अनुसार भी हमें अष्टविध परीक्षा जो हो उसको कितनी डीप में जाना है कितनी, मतलब अगर मल से रिलेटेड कोई लक्षण होते हैं तो हम ज्यादा डीप में जा सकते हैं, कृमि जैसे व्याधि है या अतिसार है प्रवाहिका है ग्रहणी है तो इनमें भी, या कभी कभी बहुत बार एड्स जैसे व्याधि में राजयक्ष्मा जैसे व्याधि में भी बहुत बार ज्यादा मतलब मल में बदलाव आता है, वेट लॉस मल मल ज्यादा मात्रा में भी जाता है या वेट लॉस भी ज्यादा होता है। भयज अतिसार के तो अलग अलग प्रकार बताए, वातज की पित्तज कफज है क्षयज मतलब भयज अतिसार भी एक बोला है, तो मेंटल कंडीशन साइकोलॉजिकल स्थिति में अगर ज्यादा कुछ घबराहट होती है तो कभी कभी ये मल के ऊपर भी कंट्रोल नहीं रहता है या मल में विकृति भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल मिसबिहेवियर डिप्रेशन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या फिर जो एक हैबिचुअल एक होता है तो इसमें भी मल की विकृतियां काफी सारे मात्रा में प्रमाण भी देखी जाती है। तो यहाँ पे मैंने इस इमेज में भी कुछ अलग अलग से जो मल के ये होते हैं मल प्रवृत्ति के प्रकार होते हैं इसके बारे में यहाँ पे मैंने बताया है। इस प्रकार से आकृति कलर वर्ण जैसे छोटे वृक्ष अल्प मल होता है तो लाइक इट्स हार्ड टू पास, जैसे वात की विकृति में बहुत बार मैंने एक पेशेंट देखा था तो उसमें पैरालिसिस का पेशेंट था तो इतनी ज्यादा मात्रा में उसके अंदर वृक्षता थी कि मल जो होता था तो मल प्रवृत्ति के समय बहुत ज्यादा वेदनाएं उसमें होती थी और मतलब खुद मैंने भी उसको ग्लोव डाल के उसके इससे मतलब मल को हम निकालते थे डेली, इतनी ज्यादा इसे गाठी के जैसे निकलती थी तो इतनी ज्यादा वृक्षता वहां पे हमने देखी थी। तो इस प्रकार से नाड़ी के बाद मल परीक्षा। कोई आपको प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस एनी डॉक्टर माधुरी कुछ आपको पूछना है? No ma'am, understood. Yeah, so next आता है नाड़ी परीक्षा के बाद दूसरा हम जाएंगे नाड़ी मल मूत्र परीक्षा। यस आयुर्वेद में तो मूत्र परीक्षा बहुत ही लक्षणिक तौर पर तर हम पूछते ही है, मतलब लक्षण जो भी हो इस हिसाब से हम किस्ती लेते समय उस पर ज्यादा देते ही है, किंतु आयुर्वेद की ये अलग एक पद्धति है जिसमें मॉडर्न के हिसाब में मतलब मॉडर्न के डॉक्टर्स तो ज्यादा पूछते नहीं इन सारे बातों में, लेकिन हम हमेशा पूछते भूख कैसी लगती है मल प्रवृत्ति कैसी है, तो मल के साथ मूत्र को भी हमें देखना है। तो कोई भी जो
मतलब मलमूत्र परीक्षा होती है, तो इसके तीन प्रकार होते हैं, एक तो भौतिक, दूसरी रासायनिक और दूसरी होती सूक्ष्म दर्शकीय। भौतिक जैसे पांच भौतिक परीक्षा, इसको वॉल्यूम देखना, अपीयरेंस देखना, कितनी मतलब प्रमाण मात्रा, गंध, वर्ण, इस प्रकार से जो परीक्षा होती है इसे पंचभौतिक परीक्षा कहते हैं। दूसरी होती है रासायनिक परीक्षा, तो जैसे अलग अलग टेस्ट की जाती है, शुगर के लिए अलग अलग टेस्ट होती है, या कीटोन बॉडीज के लिए होती है, बाइल साल के लिए होती है, बाइल पिगमेंट के लिए होती है, तो ये सारी रासायनिक चीजें है। और सूक्ष्म दर्शकीय यानी जब व्यक्ति कहता है कि मुझे मतलब पेन होता है मूत्र प्रवृत्ति के समय, या मूत्र कुछ मूत्राघात की स्थिति, या सबसे इम्पोर्टेंट है सूक्ष्मदर्शकीय परीक्षा मूत्राश्मरी में, जहाँ बहुत ज्यादा पेन होता है रुग्ण को, और मतलब कभी कभी क्रिस्टल्स पास होते हैं और कभी होते भी नहीं है, तो इन क्रिस्टल्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस सूक्ष्मदर्शकीय परीक्षा। तो मल का भी परीक्षण आप ऐसे ही कर सकते हो, पंचभौतिक, रासायनिक और सूक्ष्मदर्शकीय। बैक्टीरियल, पैरासाइटिक, कौन से टाइप का इन्फेक्शन है, तो उसके लिए हमें ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जरूरी होती है। किंतु सिंपली हर बार ये इतना डिटेल में कब जाएंगे हम, जब रुग्ण की स्पेसिफिक कोई हिस्ट्री है मल से लेकर, मूत्र से लेकर, तो यूरिनरी सिस्टम के डिसऑर्डर से या जीआई ट्रैक के कोई डिसऑर्डर से, तो इसमें हम डिटेल में इस तरह की परीक्षा करेंगे। प्राकृततः जब रुग्ण हमारे पास आता है ओपीडी बेस पर हम अगर देखेंगे, तो सिंपल रूटीन यूरिन हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन हम इसमें करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है अपीयरेंस, स्वरूप कैसा है मूत्र का। यस, कोई बताएगा स्वरूप के बारे में? स्वरूप कैसा होता है नॉर्मल मूत्र का स्वरूप? यस डॉक्टर दीप्ति, आई नो अबाउट एबनॉर्मल, एबनॉर्मल स्वरूप में थोड़ा सा मैं बोल सकती हूँ, जैसे प्रमेह हमें बोला है, फेनिल मूत्र प्रवृत्ति, और फेनिल भी आता है डिफरेंट डिफरेंट दोष, हाँ, हाँ तो ये डिफरेंट डिफरेंट, हाँ ये देखने में आया इसलिए थोड़ा सा है याद। अपीयरेंस स्वरूप यानी क्लियर, वेदर इट इज क्लियर नॉर्मल, नॉर्मली तो क्लियर ही होता है ना, जैसे ये टेस्ट ट्यूब में दिख रहा है, तो इस हिसाब से ये क्लियर होना, अपीयरेंस उसका स्वरूप नॉर्मल। मैडम कभी कभी तो येलो भी आता है नॉर्मली, आता है जब कैसा है पानी कम पीते है, हीट है, तो कभी कभी मतलब आता ही है, कलर कलर चेंज होता ही है। और अगर आम होता है ना शरीर में थोड़ा भी मतलब जिससे हमें नुकसान तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी बहुत मतलब आम होता, थोड़ा आम अगर बनता है, तो इससे भी मूत्र में कलर में बदलाव आता है, फीवर की कंडीशन में आता है, बहुत सारी है, येलोइशनेस उसमें आ जाता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में, नॉर्मल वॉल्यूम क्या होती है मूत्र की, प्राकृत मात्रा, डेली कितना मूत्र सीक्रेट होता है। यहाँ तो हमने परीक्षण के लिए जो वॉल्यूम लेते हैं ना, कितना ml, 50 ml, 100 ml, वो लिखते हैं हम, किंतु रूटीनली 1200 या 1500 ml तक रूटीनली, 1 से 1.5 लीटर इतनी मात्रा में मूत्र बनता है। यूरिन आउटपुट इज इम्पोर्टेंट जब पेशेंट आईसीयू में होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या मूत्र कुछ मूत्राघात, इमरजेंसी में हाइपरटेंशन, अटैक्स, पैरालिसिस, इस प्रकार के जो कंडीशंस होते हैं, इसमें मूत्र की वॉल्यूम डेली आउटपुट हमें देखना पड़ता है, वॉल्यूम यानी मात्रा। वर्ण, वर्ण की विकृतियां बता सकता है कोई? बहुत सिंपल है, जैसे अभी मैडम ने कहा कि येलोइशनेस कामला में आता है, और कोई विकृति वर्ण की? ब्लीडिंग, हिमैचुरिया मैडम, हाँ हिमैचुरिया में रेडनेस, बराबर। और तो प्रैक्टिकली अभी कभी देखा है आपने सही में? नहीं, मैंने फेनिल मूत्र प्रवृत्ति देखी है, कलर्स तो नहीं देखा है ज्यादा, मतलब कभी देखा नहीं अभी इतना डीप तक हमें, मतलब डायग्नोसिस या आयुर्वेद के हिसाब से विधान करना या फिर मूत्र परीक्षण करना, इतना में कभी संभव नहीं होता। ठीक है, गंध नॉर्मल गंध। मैम वो स्टोन्स में कैसे ये डिफरेंस है, वो कैल्शियम ऑक्सीडेट वातज है पित्तज है, वो कैसे मतलब पता चलता है उसमें? हाँ, तो या तो इसमें तो हम मतलब जो प्रकृति है इसके हिसाब से हम कर सकते हैं। फॉस्फेट्स वगैरह अगर ज्यादा, मतलब फॉस्फेट का अगर बनता है ना, तो हमें उसमें पित्त का बोल सकते हैं, या वो स्टोन में ब्लैकिश कलर अगर होता है तो हम इसे वात का कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको ये कर सकते, ले सकते हैं कैल्शियम फॉस्फेट ऑक्सैलेट से लेकर।
और उसके साइज के ऊपर भी होता है, मतलब या पेन किस प्रकार से होता है उसमें भी, या मूत्रपुच्छ के लक्षण किस प्रकार से होते हैं उससे भी हमें मतलब दोषों की स्थिति के बारे में पता चलता है। जो मतलब अलग अलग जो स्टोन के रूप होते हैं उसको लेकर भी हम स्टोन देखने के बाद ही पता चलेगा कि किस कैसा वर्णन है क्या। तो इसके लिए तो सूक्ष्मदर्शकीय परीक्षा ही, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ही हमें मतलब जरूरी होती है। तो ये तो नॉर्मल हो गया कि चलो मूत्र कैसा है, कितनी मात्रा में है, गंध, स्वरूप, वर्ण। डायबिटीज अगर होता है तो हमें मतलब बार बार ये करना पड़ता, डायबिटीज में ज्यादा मूत्र प्रवृत्ति ज्यादा होती है। और कोई कंडीशन है मूत्र से रिलेटेड, यस, कि जिसमें मूत्र प्रवृत्ति बढ़ती है या कम होती है, मूत्रकुच्छ मूत्राघात में सकष्टम प्रवृत्ति होती है, सिस्टल्स में भी होती है, मूत्राश्मरी में भी बहुत ज्यादा पेन होता है, इमरजेंसी यूटीआई इन्फेक्शन में भी हो सकता है कभी कभी मूत्रकुच्छता, है ना। तो ये तो इसी के साथ में और एक बताना चाहूंगी यहाँ पे, जो तैलबिंदु परीक्षा के बारे में पता है आपको? तैलबिंदु परीक्षा नाम यहाँ पे, सुना था हाँ पर याद नहीं आ रहा थे वो हाँ बिंदु बिंदु डूब क्या जाता तैलबिंदु, है और पसरता है ऐसा ही कुछ है ना हाँ मैडम। हाँ यस यस। तो ये तैलबिंदु परीक्षा योग रत्ना कर ने बताई है। तो इसमें कहा है कि पहले मतलब सवेरे उठने के बाद पहले प्रहर की जो मूत्र होती है ना, उसे एक अच्छे मतलब इस प्रकार के कटोरी जैसे इस थाली में लिया जाए उसको। और यहाँ लेने के पश्चात जो मतलब तेल का एक ड्रॉप जो होता है इस पर, उस मूत्र पर डाला जाए, और उसको पूरा मतलब सब सवेरे ही करना है, खाली पेट पर पहले प्रहर भी करना है ऐसे बोला है। और फिर उसे हमें ऑब्जर्व करना है कि ये तेल का बिंदु जो होता है तो किस प्रकार ये फैलता है। तो इससे अलग अलग अनुमान मतलब किए जाते हैं, तो मैं थोड़ा बताऊंगी इसके बारे में। तो मूत्र का जो जस्ट हम अभी तो आजकल तैलबिंदु परीक्षा तो की ही नहीं जाती है, लेकिन रिसर्च के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो ये सारे हमारे जो तरीके हैं, जो हमारे सिद्धांत है, तो हमें इसको एक बार और फिर से शायद कभी कभी देखना भी चाहिए। मुझे ऐसे लगता है जब पेशेंट आईसीयू में होता है तो मूत्र परीक्षा करके देखिए आप तैलबिंदु, और देखिए सीरियस पेशेंट है, देखिए कोरोना का पेशेंट है तो उसमें मूत्र परीक्षा करके देखिए, कुछ सीरियस कंडीशन है जिसमें इन्फेक्शन मॉर्बिडिटी है, कोमॉर्बिडिटी है, तो दक्षिण दिशा में जाता है उत्तर दिशा में। तो हमारे मतलब जो सिद्धांत कहे गए उन्हें हमें आज के तौर पर देखना परखने की भी जरूरत है। तो हम ज्यादा रोक टोक से बोल सकते हैं कि नहीं तैल बिंदु परीक्षा मतलब ऐसी है। तो इसमें बताया है कि जब तेल का ड्रॉप हम डालते हैं ना, अगर वो शीघ्र फैल जाता है तो जो रोग होता है वो साध्य होता है, वो फैलता नहीं वैसे ही रहता है, तो रोग कष्टसाध्य होता है। वो तल पर अगर जाता है तो रोग असाध्य होता है। बिंदु दिशा के बारे में बताया है कि बिंदु अगर पूर्व की ओर जाता है तो रोग शीघ्र नष्ट होता है, दक्षिण की ओर जाता है तो ज्वर जैसे आता है, उत्तर की ओर जाता है तो निश्चित आरोग्य प्राप्ति होती है, पश्चिम की ओर जाता है तो सुख और आरोग्य दोनों की प्राप्ति होती है, ईशान्य की ओर जाता है तो एक महीने में मृत्यु आ सकती है। देखिए वायव्य की ओर जाता है तो बिल्कुल बच नहीं पाता। तो अगर मूत्र में अलग अलग जो तेल का बिंदु हम ड्रॉप डालते हैं ना, तो तेल का वो बिंदु अगर अलग अलग आकार धारण करता है, जैसे कभी कूर्म का आकार, फिर भैंस का आकार, शिरोहीन मनुष्य का आकार अगर ढालन करता है, शस्त्र का आकार अगर उसमें आता है ना, तो वैसे रुग्ण की चिकित्सा ना करें इस प्रकार का वर्णन आचार्य करते हैं। और अगर जिसके मूत्र में हंस या फिर तालाब, छत्तर, छाता ऐसे, फिर उसमें ये बन जाना, तोरण वगैरह बन जाना, तो इस प्रकार के अगर बन जाता है तेल का बिंदु तो उसकी हम चिकित्सा कर सकते हैं। तो चिकित्सा किसकी करें किसकी ना करें, इसके लिए भी तेल बिंदु परीक्षा का महत्व दिया गया है। अगर ये तेल जो ड्रॉप डाला है इसमें छलनी जैसे, चालनी जैसे बोलते हैं, छलनी जैसे अगर छिद्र बन जाते हैं तो कूल दोष बताए, कूल दोष। अगर इसमें मनुष्य का आकार आता है तो भूत दोष, इसमें अगर मनुष्य का आकार आता है तो भूत दोष, इसमें सर्प का आकार आता है तो वात दोष, और इसमें अगर मतलब छत्र अगर बनता है तो पित्त दोष, और अगर मुक्ता जैसे अगर ये बनता है तो, मोती के जैसे अगर ये बनता है तो कफ दोष। तो इस प्रकार से मूत्र की तैलबिंदु परीक्षा के बारे में बताया है आयुर्वेद में योग रत्नाकर आचार्य ने। तो नाड़ी, मल और मूत्र परीक्षा, तो
जिस प्रकार से लक्षण व्यक्ति बताता है, इस प्रकार से हमें इसके डीप में जाना है। नेक्स्ट आता है जीवा। जैसे मैंने बताया पल्स इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट, वैसे ही टंग, जीवा यह हमारे किसका आईना है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो जीवा को देखकर जीवा का परीक्षण क्यों करना है? यस, क्या क्या इंपॉर्टेंस है जीवा का, कोई बोल सकता है? बताइए प्लीज। सामता निरामता देखने के लिए। हाँ, सामता निरामता तो है, और वही डाइजेशन के लिए कॉन्स्टिपेटेड है। हाँ, जीवा प्राकृतिक जीवा तो गुलाबी रंग की होती है, अरक्त होती है, रेड होती है। दूसरी बताइए, अगर उसमें कुछ व्हाइटिश या कुछ लिप्त होती है जीवा, कुछ उसमें एक लेवल स्तर जम जाता है, तो इसे क्या कहेंगे हम? साम जीवा कहेंगे, है ना। निराम यानी क्लियर, जैसे मैंने अभी बताया गुलाबी पिंकिश कलर की जीवा। अगर पांडु वर्ण की होती है तो जीवा को देखने से हमें एनीमिया की भी मतलब देख सकते हैं। तो यस बताइए प्लीज। अरक्त वर्णता, श्वेतता, पीलापन जीवा पे ऊपर होता है तो इवन कैंडिडेसिस में भी होता है मैम। यस, कैंडिडाइटिस मींस स्टोमेटाइटिस, कैंडिडाइटिस, चिलियोटिस, ग्लॉसाइटिस। अगर कुछ हिस्ट्री है जैसे टोबैको वगैरह की, तो भी जिह्वा के कलर में बदलाव आता है, ब्लैकिश कलर यहाँ पे बताया। पुअर अगर ओरल हाइजीन होती है, सम कंडीशंस लाइक टोबैको वगैरह, तो जिह्वा का कलर बदलता है टोबैको से, या कुछ गुटखा वगैरह खाने की आदत होती है, या स्मोकिंग की भी अगर आदत होती है ना, तो ओठों के साथ साथ जिह्वा के ऊपर भी परिणाम आता है। इन्फेक्शन फंगल अगर होता है कुछ, ल्यूकोप्लेक्सिस वगैरह, तो भी जिह्वा का रंग बदलता है। यहाँ पे पर्पल कलर की भी बताई है जिह्वा, तो अगर कुछ ब्लड सप्लाई कम होता है तो कावासाकी डिसऑर्डर है, इसमें भी जिह्वा मतलब ये होती है, उसका कलर बदल जाता है। पर्पल हार्ट प्रॉब्लम्स अगर होते हैं तो बताई है। ब्लू कलर, ऑक्सीजन का सप्लाई कम होना, ब्लू कलर। येलो कलर, टोबैको च्यूइंग जॉन्डिस जैसे सोरियसिस में भी जीवा पे भेद निशान बनना, बहुत सारी पैरालिसिस में, पक्षाघात में कुछ एक्सीडेंटल है। फिर नॉर्मली भी मतलब बाय बर्थ भी कभी कभी टंग के ऊपर कुछ ये आता है, मतलब सूचर के जैसे आता है। ग्रे कलर की अगर जीवा होती है तो पेप्टिक अल्सर के जैसे कंडीशंस में, फंगल इन्फेक्शन में व्हाइटिश, ब्लैक होती है वो डायबिटीज या बैक्टीरिया, पुअर हाइजीन जो होता है उसमें भी ये बैक्टीरिया में, इन्फेक्शन में, पुअर हाइजीन में ये ब्लैक होती है। तो इस प्रकार से जीवा का परीक्षण के साथ साथ केवल जीवा का ही नहीं, तो मुख का भी परीक्षण हमें करना है, आस्य का परीक्षण। मतलब किस प्रकार की टेस्ट होती है, बता सकते हैं कोई टेस्ट के बारे में? वातज, पित्तज, कफज में किस प्रकार की टेस्ट लगती है रुग्ण को? कफज में मधुरास्यता लगेगी। हाँ, और वातज में कटु, पित्तज में कटु लगेगी। यस, हाँ, अजीर्ण में बताया घृतपूर्ण मतलब स्वाद उसका होगा, और अग्निमान में मतलब कषाय उसको प्रतीत होगा, कषाय रस जैसे उसको प्रतीत होता है। इस प्रकार से जिह्वा के परीक्षण से हमें अन्नवस्तोतस कलर ऑफ टंग, यस, कलर अभी जैसे ये इंडेक्स में मैंने बताया ना, कलर अलग अलग कलर होते हैं, कलर यस कलर चेंजेस उसमें होते हैं। और कुछ है इसमें जीवा के बारे में आपके हिसाब से, कुछ है तो ऐड कर दीजिए, बताइए। मेरे ख्याल से तो मतलब ये सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो गए हैं जीवा के बारे में, ठीक है। नाड़ी, मलमूत्र, जीवा, शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शब्द में शब्द परीक्षा नॉर्मली जब रुग्ण हमारे पास आता है तो हम इसमें पल्स रेट तो देखते हैं, हार्ट साउंड्स देखते हैं, रेस्पिरेशन देखते हैं, आईसीयू में या आईपीडी में अगर पेशेंट होता है, कुछ सर्जरी होती है तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हमें देखने होते हैं। तो हार्ट साउंड्स में जैसे यहाँ पे मैंने फिगर में दिखाया है एओर्टिक, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, इस प्रकार से हमें ये चतुर्विध पॉइंट्स है जहाँ पे हमें हार्ट साउंड्स अलग अलग देखने हैं। लब डब नॉर्मल साउंड है, पहले तीन साउंड जो होते हैं वो हमें सुनाई देते हैं, चौथा जो साउंड है इट इज नॉट ऑडिबल,
और अगर मर्मर जैसे एबनॉर्मल साउंड्स, लेकिन ये हार्ड साउंड्स या मर्मर जैसे एबनॉर्मल साउंड्स हमें समझने के लिए बहुत मतलब ज्यादा बारकाई से और बहुत मतलब 200, 500, 1000 पेशेंट हम देखेंगे तो ही हमें इसके बारे में मतलब ज्यादा हम अच्छे से ये कर सकते हैं। नॉर्मली तो हम लब और डब साउंड्स ये और फिर हार्ट रेट मतलब काउंट करना है हमें कितना है वो। इसके साथ रेस्पिरेटरी साउंड्स, रेस्पिरेशन रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है मतलब सांस फूलती है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, कफ है, प्रतिशाय है, इनस है, तो इनमें तो रेस्पिरेटरी का पूरा हमें देखना है। यस, तो रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी प्लीज अनम्यूट, किसका माइक ये है म्यूट कीजिए प्लीज। प्लीज जिसका माइक माइक चालू है प्लीज बंद कीजिए प्लीज। इस प्रकार से ये सारे पॉइंट्स हैं, तो मतलब हमें एंटीरियर और पोस्टियर दोनों तरफ से यहाँ पे हमें ऑस्कल्टेशन करना है, श्रवण परीक्षा करनी है रेस्पिरेटरी साउंड के लिए, आगे से और पीछे से भी। श्रवण परीक्षा हमें करनी है। तो इस प्रकार से ये हार्ट साउंड्स, रेस्पिरेशन, फिर रेस्पिरेटरी साउंड्स, पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस के बारे में बताएगा कोई? कुसुम जी आप बताएंगी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कब देखना है? यस, जब कोई सर्जरी होती है, सीजर वगैरह होता है, तो हम एब्डोमिनल इस पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देखकर ही फिर उसको मतलब क्या देना है, चाय पानी लिक्विड फिर सॉलिड डाइट देना है, ये हमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ही पता चलता है। यस बताइए प्लीज पेरिस्टाल्सिस। मैम जब पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसको कुछ गैस पास नहीं हो रहा है, उसको डाइजेशन सही नहीं है और वो यूरिन भी नहीं पास कर पा रहा है और लैट्रिन नहीं हो रहा है, तो उसको देखना होगा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की बराबर चल रहा है कि नहीं, टू रूल आउट ऑब्स्ट्रक्शन। Yes. तो इस प्रकार से मतलब हार्ट साउंड्स भी हार्ट डिसीजेस में नॉर्मल भी हमें देखना है, अगर कोई मतलब इसमें अलगपन आता है रेस्पिरेशन में भी, रेस्पिरेशन के बारे में मैं आगे बताऊंगी। और पेरिस्टाल्सिस जैसे मैडम ने बताया कि ज्यादातर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से हमें डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, सॉलिडनेस, लिक्विडनेस या कुछ गैसेस के बारे में, एयर इसके बारे में हमें पता चलता है और इसको लेकर ही हम आगे उसको फूड सजेस्ट कर सकते हैं। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ज्यादातर हम डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए या फिर आईसीयू में या पेशेंट हमारे एडमिट पेशेंट है सर्जरी के बाद, तो पेरिस्टाल्सिस देखकर ही हमें उसको डाइट के बारे में बताना पड़ता है। तो इसी के साथ साथ जो भी हिस्ट्री आप जैसे भी ले रहे हो, इसके हिसाब से भी जो भी लक्षण है, कहाँ पे पेन होता है, फिर ज्वाइंट पेन अगर होता है तो उसके भी मतलब जो हिस्ट्री के स्वरूप से, लक्षण के स्वरूप से ही हिसाब से ही हमें शब्द की परीक्षा करनी है। कभी कभी रुग्ण बोलता है कि मेरे कान में आवाज आ रही है, तो कान में आवाज किस, टिनिटस बोलती से, कुछ नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर में भी टिनिटस जैसे कंडीशन होती है, कभी कभी मल उसमें बैठ जाता है तो इसमें भी टिनिटस लक्षण आता है। इसके साथ साथ अकोटन परकशन, छाती चेस्ट के रीजन पर इस प्रकार से जब टैपिंग करते हैं, तो टैपिंग करने से भी वहां पे फ्लूड है, एयर एक्युमुलेशन है, कौन से टाइप का एक्युमुलेशन है इसका हमें पता चलता है अकोटन से, परकशन। तो ये डीप में रेस्पिरेटरी सिस्टम के एग्जामिनेशन हम करेंगे जब उससे रिलेटेड कोई लक्षण व्यक्ति बताता हो, तो ये डीप एग्जामिनेशन हमें करना पड़ता है। तो इसी के साथ साथ रूटीनली ज्यादा जनरल प्रैक्टिस में या वैसे कि हमारे पास ज्यादातर पेशेंट आते हैं सर्दी खांसी जुकाम कफ वगैरह को लेकर, तो इनमें भी हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना आना चाहिए कि कौन से मतलब रेस्पिरेशन का साउंड किस प्रकार का होता है उस अर्जेंटे का, अर्जेंटे तो इस प्रकार से हमें ये
अलग अलग जो साउंड्स होते हैं, जैसे रोंगकाई है, इट इज अ लो पिच ब्रीथ साउंड, इफ्यूजन अगर होता है न्यूमोथोरेक्स में तो रोंगकाई जैसे साउंड मिलते हैं हमें. व्हेन एयर ट्राइज टू पास थ्रू ब्रोंकाइल ट्यूब्स, जब ब्रोंकाइल ट्यूब्स से ये एयर पास होती है और इसमें अगर फ्लूड या कुछ म्यूकस होता है तो जो जिस प्रकार का ध्वनि आता है इसे हम रोंकाई कहते हैं. और ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है कोई इफ्यूजन अगर होता है या फ्लूड या कोई भी म्यूकस पस अकुमुलेशन होता है, इन्फेक्शन टाइप की कंडीशन होती है ब्रोंकाइटिस जैसे न्यूमोथोरक्स जैसे, तो यहाँ पे जो ध्वनि आता है इसे हम रोंकाई कहते हैं. सो इट इज अ लो पिच्ड ब्रीथ साउंड, ये नॉर्मल से अलग है. दूसरा ध्वनि है क्रैकल्स, हाई पिच्ड ब्रीथ साउंड क्रैकल्स, इफ द स्मॉल एयर सैक्स इन द लंग्स filled with fluid and there are any air movement in the sacs when you are breathing. जब आप breathe करते हो तो जो भी air sac होते हैं इसमें अगर ये fluid होता है तो जो movement जैसे हमें feel आती है, जैसे pneumonia में भी होता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे जम जाता है, air जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ पे ये जम जाता है और इससे अलग प्रकार के sound आते हैं, air sacs में ये fluid जमा होता है. तीसरी है विजलिंग, जैसे सीटी बजाते हैं ना सीटी की जैसी साउंड होती है, हाई पिच्ड विजलिंग साउंड कॉज्ड बाय नैरोइंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब, जब ब्रोंकियल ट्यूब नैरो बन जाती है तो वहां से जब एयर पास होती है तो जैसे हम सीटी बजाते हैं सीटी बजाने के जैसे ध्वनि वहां पे आती है, सीओपीडी अस्थमा जैसी कंडीशन में ये ज्यादा दिखती है. दूसरा शब्द है स्टीरडोर, ऑफकोर्स व्हेन द अपर एयरवे नैरोस लाइक इन्फ्लेमेशन वगैरह कंडीशन में अपर एयरवे जो नैरो होता है इसमें ये स्टीरोडोर जैसे आवाज, जैसे इट इज हार्श वाइब्रेशन के जैसे साउंड आती है थ्रू ब्रोंकियल ट्यूब्स दैट कंटेन, अगेन इस प्रकार से नैरोइंग होने से ही आवाज आती है. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन है रेस्पिरेटरी साउंड सुनते समय ये अलग अलग प्रकार के वराइटीज जो है तो इन्हें हमें डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए. तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब मात्रा में हम पेशेंट देखेंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट देखेंगे उतने ही ज्यादा मात्रा में हम इस प्रकार के जो अलग अलग ध्वनि है तो इसके बारे में हम देख सकेंगे. दोषों के बारे में अगर हम देखेंगे तो वात में रुक्षता रुक्ष स्वर होता है, पित्त में थोड़ा सा मतलब उसमें एक अलग ये दिखता है, और कफ के अगर शब्द होते हैं वो गुरु होते हैं. शब्द की परीक्षा में हमें स्वर को भी देखना है, जैसे वात प्रकृति का स्वर रुक्ष होता है, फटा हुआ, प्रतत, क्षीण, सप्त, जर्जर, दुबला, एकदम बिल्कुल अनइजी या अनकंफर्टेबल, ज्यादा मतलब सुनने में अच्छा नहीं लगता, इस प्रकार का उसका आवाज होता है. पित्त प्रकृति का स्वर अच्छा लगता है सुनने में, काफी इसमें ये होता है. हेलो, हाँ हो का कस का एवढा एवढा कस काय केलं त्यांनी. तो इस प्रकार से हमें ये अलग अलग जो ध्वनि है उसको हमें समझना है. शब्द परीक्षा, स्वर परीक्षा, स्वर से भी हमें दोषों के बारे में ज्ञान होता है, जैसे कफ का स्वर बहुत मतलब ज्यादा एकदम सुनने में अच्छा लगता है, जल, मृदंग, घोषवत, इस प्रकार से इसका स्वर बताया है. नाड़ी, मलमूत्र, जीवा, शब्द के बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्पर्श के बारे में. शब्द और आगे है स्पर्श. स्पर्श यानी हम त्वचा का स्पर्श ले सकते हैं, स्पर्श यानी तापमान. त्वचा का स्पर्श कैसा है, त्वचा कैसी है, त्वचा का तापमान कितना है, तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स. स्पर्श टेम्परेचर, तो मेलानिन के हिसाब से त्वचा का वर्ण तो अलग अलग होता है, गौर, श्वेत, औदात गौर, कृष्ण, ताम्र, अलग अलग तरीके के वर्ण होते हैं. वर्ण या त्वचा
का जो कार्य है, जैसे एब्सॉर्प्शन, सिक्रेशन, वेरियस फंक्शंस ऑफ स्किन। चरक और सुश्रुत ने अलग अलग तरीके से भी इसके प्रकार बताए, अवभासिनी लोहिता सुश्रुत ने बताए तो मतलब प्रकार इसके, और चरक ने वैधि के हिसाब से लेयर बताए हैं, और हर एक लेयर में अलग अलग वैधि होता है इस प्रकार से भी वर्णन किया है। टेम्परेचर कितना है, त्वचा का तापमान कितना है, त्वचा का स्पर्श कितना है, कैसा है, उष्ण है, पित्त प्रकृति में उष्ण स्पर्श होता है, वात में थोड़ा सा शीत होता है, और कफ में थोड़ा आर्द्र स्पर्श हम उसको बोल सकते हैं। तो ये हो गई स्पर्शन परीक्षा। इसी के साथ साथ स्पर्श परीक्षा में पाल्पेशन भी आता है, एब्डोमिन। बहुत बार हमें कोई पेन रिलेटेड मतलब प्रश्न करके व्यक्ति आता है, पेन जैसे कंप्लेन अगर होती है तो एब्डोमिन का पाल्पेशन हमें करना है, लीवर के स्प्लीन को हमें पाल्पेट करना है, वैधि के लक्षण के हिसाब से या नॉर्मली भी हमें पाल्पेशन करना ही स्पर्श परीक्षा, क्योंकि जब तक हम छुएंगे नहीं, स्पर्श नहीं करेंगे, तब तक जो टेंडरनेस होता है, या रुग्ण को कोई मल का मलावष्टम का इतिहास है या कोई इंडाइजेशन की हिस्ट्री है, तो इस हिसाब में हमें उदर का परीक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम केवल चेस्ट एग्जामिनेशन, केवल नाड़ी या फिर रेस्पिरेटरी साउंड देखते हैं, किंतु उतना ही उदर का परीक्षण भी करना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत बार रुग्ण बताता नहीं संकोच की स्थिति से। तब हम खुद से अगर स्पर्श परीक्षा करेंगे तो जो एनीमिया में वगैरह लीवर को टेंडरनेस होती है उसके बारे में हमें पता चलेगा। तो स्पर्श परीक्षा में हमें एब्डोमिन को पाल्पेट करके अवयवों का परीक्षण करना है, और इसी से कोई वृद्धि है, ग्रोथ है, एनलार्जमेंट है, एबनॉर्मल, तो हम डिटेक्ट कर पाते हैं टेंडरनेस अगर होती है। इसके साथ साथ स्किन के एग्जामिनेशन, स्किन के डिसीज तो बहुत ज्यादा वैरायटी में है, अलग अलग पस्यूल्स, पैप्यूल्स, प्राइमरीज में, सेकेंडरीज में स्कार्स है, सो वेरियस टाइप्स, प्राइमरीज में मैक्यूल, पैप्यूल, पस्यूल, नोड्यूल, हेमाटोमा वगैरह जैसे। स्किन के ऊपर तो एक पूरा लेक्चर मतलब पूरा डिटेल में हम उसके जा सकते हैं। सेकेंडरी उसमें जैसे मैंने अभी बताया स्कार, फिशर, अल्सर, तो स्किन एग्जामिनेशन, कैंसर जैसे इसमें भी स्किन के जो मोल्स वगैरह होते हैं इसमें बदलाव आता है, इन्फेक्शन बढ़ना है, सोरियसिस है, अनेक त्वचा विकार है, कुष्ठ है, विसर्प है, मसूरिका, बहुत सारे व्याधि है जिसमें हमें इन नोड्यूल्स का, पस्टूल्स का परीक्षण करना पड़ता है, और आगे भी इसमें कुछ मतलब माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करके भी हमें स्किन के अलग अलग जो कैंसर है, अलग अलग कंडीशन है, उसके बारे में पता चलता है। तो कलर तो एक हो गया स्किन का, किस कैसा है, जैसे पीता उभासता, पीलापन कामला में आता है, सफेदपन पांडु में आता है, तो स्किन के कलर से अभी हमें मतलब त्वचा, हमारे शरीर के अंदर के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको भी एक प्रकार से प्रसारित करती है। जब त्वचा एकदम अच्छी कांतिमान होती है तो इसका मतलब हमारे शरीर के रस रक्त धातु भी अच्छे हैं। देखिए केवल त्वचा से हमें स्पर्श रंग नहीं, लेकिन हमारे रस रक्त का कार्य भी पता चलता है, क्योंकि रस रक्त का कार्य अच्छा होगा तो त्वचा कांतिमान रहेगी, त्वचा के अंदर भ्राजक पित्त रहता है जो कि भ्राजन का कार्य करता है, और त्वचा की कांति या प्रभा अच्छे रखने में मदद मिलती है। इसी के साथ पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन अलग अलग एज के अनुसार भी होती है, जैसे प्रेगनेंसी में भी पिगमेंटेशन होता है, फिर मेनोपॉजल एज में भी पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन की कंप्लेन होती है, अंजाई, वांग, अलग अलग तरीके से ये पिगमेंटेशन होता है, कुछ इरेप्सिकल्स वगैरह कॉर्पस इस कंडीशन में भी पिगमेंटेशन बढ़ता है, तो ऐसे बहुत सारे व्याधि है जिसमें हाइपर पिगमेंटेशन होता है स्किन के ऊपर। इसी के साथ साथ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई कंप्लेन होती है पेशेंट की, या कुछ लॉसेस होते हैं जैसे पैरालिसिस में वगैरह लॉसेस होते हैं, सेंसेशन या मोटर लॉसेस, तो उसमें भी हमें स्किन के स्किन से टच, पेन, सेंसेशन के बारे में हमें देखना है, रिस्पॉन्सेस, रिफ्लेक्सेस हमें देखने हैं, इसमें टच के लिए, पेन सेंसेशन के लिए पीन से हमें ये करना है, टच के लिए भी हमें कुछ पीन उसको चुभानी है, जैसे कुष्ठ के, कुष्ठ का जो दाग होता है, कुष्ठ का जो एरिया होता है वहां पे उसे सेंसेशन नहीं होता है। तो इस प्रकार से स्किन एक वाइडर रूप में स्किन का परीक्षण किया जा सकता है। अलग अलग डिसीजेस है, जैसे मैं बताना चाहूंगी एसटीडी वगैरह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होते हैं, तो उसमें भी स्किन मतलब जो जेनिटल एरिया होता है उसमें अलग अलग प्रकार के पस्टूल्स, अलग अलग रूप से स्किन खराब होती है, या स्किन के अलग अलग लक्षण हमें उसमें भी देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ वायरल इन्फेक्शन, सोरियासिस, बहुत सारे प्रूराइटिस है, मैंने अभी बताया शीत पित्त, उदर्द, कोठ, बहुत सारी कंडीशन है जिसमें
स्किन को हमें नजरअंदाज नहीं करना है, उतना ही महत्व हमें देना है जितना हम बाकी के सारे इसको मतलब सारे जो परीक्षा भाव है इसको हम देते हैं, तो उतना ही महत्व हमें स्किन को भी देना है। शीत पित्त उदर कोष्ठ चर्मदल अजगल्लिका अलग बहुत सारे कंडीशंस में हमें पिगमेंटेशन को भी हमें हार्मोन्स हार्मोनल जो भी विकृतियां होती है इनमें भी हाइपर पिगमेंटेशन होता है, तो एज के हिसाब से भी देखना है, प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के बाद मेनोपॉज, तो अलग अलग तरीके से ऐसे भी हमें स्किन का परीक्षण करना है। नाड़ी मलमूत्र जीवा शब्द स्पर्श स्पर्श यानी त्वचा का स्पर्श, जैसे वात का स्पर्श मैंने अभी बताया रुक्ष खर होता है, पित्त में उष्मा होता है, कफ का जो कफ प्रकृति के त्वचा का स्पर्श होता है वो थोड़ा आर्द्र होता है, शीत मतलब स्निग्धता उसमें अधिक मात्रा में होती है। स्पर्शन परीक्षा हमें दो पद्धति से करनी है, एक तो दर्शन और दूसरा स्पर्शन। दर्शन यानी देखने से पूरा मतलब दर्शन परीक्षा देख आंखों से देखकर, या स्पर्शन मतलब खुद से स्पर्श कर या हाथ लगाकर हमें इसे देखना है। इसके बाद आता है रूप परीक्षा या द्रुप परीक्षा, आईज दृष्टि डोले, तो दृष्टि ऐसे बोलते हैं कि आंखों से सारे हमारे भावनाओं का व्यक्तिकरण होता है, तो आंखों से या मुझे लगता है हर एक शरीर का वर्ण हर एक शरीर का पार्ट जैसे त्वचा है नेत्र है उष्ट है संधि है चेहरा है केश है नख है सारे सारे भावों का परीक्षण कर हमें हमारी हेल्थ फिटनेस स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें आता है नेक्स्ट ये दृष्टि डोले, डोलो आंखों का रंग अलग अलग होता है, वात प्रकृति में रुक्ष तनु छोटे नेत्र होते हैं, पित्त प्रकृति में पिंगट अलग अलग रंग के जो रंग होते हैं वो पित्त प्रकृति में होते हैं, कफ प्रकृति में आंखें बड़ी होती है पक्षमल होते हैं एकदम सुंदर आंखें होती है सफेद और काला भाग स्पष्ट दिखता है, तो आंखों के रंग से भी हमें अलग अलग विकृतियां पहचानने में आती है, जैसे पेलनेस अगर होता है तो पांडू, येलोइशनेस डिस्कलर इट इज द मेन साइन, येलोइश डिस्कलरेशन अगर होता है तो जॉन्डिस का ये मुख्य साइन होता है, पेल अगर होता है तो एनीमिया उसमें कुछ स्कार है क्या, फिर डार्क आइड पीपल आर मोर, ऐसे एक रिसर्च में बताया है कि आंखों का अलग अलग रंग और इसके इससे किस व्याधि किन व्याधियों होने की संभावना होती है, जैसे डार्क आइड पीपल आर मोर लाइकली टू हैव कैटरैक्ट्स, विटिलोगो इज लेस कॉमन अमंग द ब्लू आइड पीपल, विटिलोगो कम होता है ब्लू आईज अगर होते हैं तो, मेलानोमा इज कॉमन इन पीपल विद ब्लू आईज एज पर द एज, जैसे कि अगर 40 के बाद का अगर रुग्ण होता है तो उसमें प्रेस बायोपिया निकट दृष्टि का दूर दृष्टि का चश्मो आंखों का नंबर ये भी होता है, विटामिन ए डिफिशियंसी में भी बिटर स्पॉट जेरोफाल्मिया इस प्रकार के लक्षण ज्यादा रिलेटेड होते हैं आंखों से रिलेटेड विटामिन डिफिशियंसी में, टिपिकली ए विटामिन डिफिशियंसी में ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं, बिटर स्पॉट इज देयर, रुक्षता आती है कभी कभी मतलब आंखों में एक प्रकार के सफेद स्प्लेक्स निकलते हैं पिकल्स निकलते हैं, तो ड्राइनेस आती है, तो पिगमेंटेशन भी होता है कभी कभी स्पॉट्स भी होते हैं, आंखों के अलग अलग कैंसर्स भी होते हैं, तो लेकिन ओपीडी लेवल पर हम देखेंगे कि रंग या अगर एज के हिसाब से कुछ चेंजेस है कॉर्नियल उसमें चेंजेस है जो कि नॉर्मल होते हैं एज के हिसाब से, प्रेस बायोपिया इज कॉमन एज द एज ग्रोज अप, तो इस प्रकार से दृष्टि का परीक्षण हमें करना है, रूप का परीक्षण, आंखों का परीक्षण जैसे मैंने अभी बताया वात में रुक्षता पित्त में उष्णता और कफ में शीतता होती है आंखों में अगर हम देखेंगे तो, जैसे पीला अगर होता है तो मतलब उसको ज्यादा तीव्र प्रकाश भी सहन नहीं होता है तो ये पित्त प्रकोप का लक्षण होता है, पित्त प्रकृति का लक्षण होता है, जलपूर्ण नेत्र होते हैं तो ये कफ प्रकोप, ज्योतिहीन होते हैं स्निग्ध होते हैं तो कफ प्रकोप होता है, और एक ऐसी भी कंडीशन बताई है जिसमें एक आंख छोटी होती है और दूसरी आंख बड़ी होती है, तो ये जो लक्षण बताया है ये तीन मतलब ये मृत्यु सूचक लक्षण बताया, एक छोटा आंख या एक बड़ी आंख, तो इस प्रकार से आंखें भी हमारे जो केस टेकिंग है रुग्ण परीक्षण हम करते हैं तो इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, आंखों को भी हमें देखना है। इसी के साथ साथ कॉम्प्लिकेशन जैसे डायबिटीज है हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी या डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी काफी सारे बदलाव आते हैं, डायबिटीज ज्यादा दिन तक अगर रहता है इट इज द टॉप पोटेंशियल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, तो
आई कंडीशंस हमें देखनी होती है डायबिटीज के पेशेंट में, क्योंकि इसमें विजुअल इम्पोरमेंट होती है. डायबिटिक रेटिनोपैथी इज अ कंडीशन दैट लीड्स टू डैमेज टू ब्लड वेसल दैट आर लोकेटेड इन द रेटिना. देन सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी में इंक्लूड ब्लरीनेस, डबल परसीविंग कलर्स, डार्क एरियाज ऑफ विजन, फ्लोटर्स डायबिटीज में होता है. सो क्योंकि यहाँ पे जो आर्टरी होती है ब्लड सप्लाई करने वाली, उसमें ब्लॉकेज आ जाता है डायबिटीज में. तो इसी के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर कैन पोटेंशियली कॉज परमानेंट लॉस ऑफ विजन बाय डैमेजिंग नर्व्स. तो मतलब हाइपरटेंशन को भी हमें कंट्रोल में रखना है, जो कि बहुत ज्यादा मॉर्बिडिटी डेवलप करता है शरीर में, अलग अलग ऑर्गन्स को, सिस्टम्स को व्याप्त करता है. डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन दोनों को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को ये प्रभावित करते हैं, और इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है आईज, आंखें. और लास्ट पॉइंट है अष्टविध परीक्षा में नाड़ी, मलमूत्र, जीवा, शब्द, स्पर्श, द्रुक और आकृति, यानी गेट, हाउ द पेशेंट कम्स टू यू. आपके पास पेशेंट कैसे आता है? नॉर्मली चलकर आता है, व्हील चेयर पर बैठकर आता है, किसी का सहारा लेकर आता है, या कुछ मतलब उसके चलने में लंगड़ता चलता है, या स्ट्रेचर पर आता है, किस हाउ द पेशेंट कम्स टू यू. इस प्रकार से हमें उसकी आकृति, गेट या रूप, हम इसे कह सकते हैं रूप, के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो सिंपली अगर पेन बहुत ऐसे होता है कि बहुत बार पेशेंट मतलब सर पर पट्टी लगा कर आते हैं, तो हमें समझना है कि सर दर्द हो रहा है. पेट को हाथ लगाते लगाते आते हैं तो हम समझते हैं कि इसके पेट में दर्द हो रहा है. तो इस प्रकार से अलग अलग इससे पेशेंट आता है आकृति में. तो पेशेंट कैसे आता है आपके पास, इससे आपको उसकी सीवियरिटी का अंदाजा आता है. व्हील चेयर पर आता है, इसका मतलब पैरालिसिस है, उसके पैरों में कुछ प्रॉब्लम है. स्ट्रेचर पर आता है तो चल नहीं सकता, मतलब ज्यादा कुछ सीरियस कंडीशन होती है. तो इस प्रकार से हमें उसको देखना है कि कैसे आता है, हाउ ही कम्स टूवर्ड्स यू. इंजुरीज अगर होती है, कभी कभी पाँव में कुछ लगता है, मोच लगता है, तो भी उसके चलने में बदलाव आता है. आर्थराइटिस में बदलाव आता है. इन्फेक्शन अगर होते हैं, जख्म होती है, तो भी लंगड़ते चल सकता है. तो ऐसे नहीं कि लंगड़ते चल रहा है कि हर बार संधिवात होता है या कोई डिफॉर्मिटी होती है. कभी कभी छोटी छोटी बातों से भी, मतलब कभी कभी तो मतलब चप्पल अगर नहीं पहने या चप्पल में भी चप्पल अच्छी नहीं हो, फिट नहीं हो पैरों में, तो भी मतलब चलना जो होता है व्यक्ति का, वो बदल जाता है. इसी के साथ साथ अलग अलग कंडीशंस है जिसमें बहुत ज्यादा मतलब ये होता है. साइकोलॉजिकल कंडीशंस है, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स है, इसमें भी आकृति बदल जाती है. बर्थ डिफेक्ट्स लाइक इन्फेक्शंस इन द इनर ईयर, सेरेब्रल पाल्सी में, टेंडेंसीज में, कन्वर्शन डिसऑर्डर साइकोलॉजिकल, इसमें भी फेशियल एक्सप्रेशंस भी बदल जाते हैं. म्हणजे जैसे कि रुग्ण कैसे दिखता है, कैसे बोलता है, उसके हाव भाव भी हमें उसके हाव भाव से भी, जैसे रुग्ण एकदम आके एकदम शांति से आपके सामने बैठ जाता है तो कुछ नहीं बोलता है, देखता भी नहीं आपके सर, तो आपको समझना है कि नर्वसनेस है पेशेंट या कुछ उसमें डिप्रेशन है क्या. तो हाउ ही कम्स टू यू, उसका फिजिकल अपियरेंस कैसा है, वो मतलब कैसे बोलता है, कैसे दिखता है, उससे भी हमें उसके साइकोलॉजिकल कंडीशन के बारे में सोचना है, फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में. जैसे थायरोटॉक्सिकोसिस में आंखें उसकी ऊपर आईज़ प्रोट्रूड आईलिड्स होती है. एक्रोमेगाली में भी मुख में बदलाव आता है. हार्मोनल इम्बैलेंसेस में, पार्किंसिनिज्म में, डिप्रेशन में, अगर उसके चीक्स थोड़े पेल लगते हैं तो एनीमिया या हाइपोथायरॉइडिज्म हो सकता है. पेल और पफी सूजन आती है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में चीक्स में सूजन आती है. फिर स्किन देखना है, मतलब आकृति में हमें चाल भी देखनी है और एक ओवरऑल उसका लुक कैसा है, और ओवरऑल लुक से हमें बहुत सारी बातों का अंदाज आता है निदान चिकित्सा करने के लिए. पेलनेस से एनीमिया, एलोन्स अभी हमने देखा, पिगमेंटेशन है क्या, कभी कभी पिगमेंटेशन एक नॉर्मली भी हो सकता है रेसियल, या कभी कभी एडिसन डिसीज जैसे इसमें भी होता है. साइनोसिस है क्या, ब्लूइशनेस, जैसे हीमोग्लोबिन रिड्यूस होता है तो होता है. कोई कोई पॉइजन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में भी होता है. इडिमा है क्या, सूजन, एंकल्स में अगर सूजन होती है तो हार्ट प्रॉब्लम होती है क्या, उसको भी हमें पिटिंग इडिमा है क्या, उसको हमें थोड़ा मतलब खड्डा करके देखना पड़ता है. तो आकृति यानी ओवरऑल उसका प्रेजेंटेशन, ओवरऑल लुक कैसा है, वो चलता कैसा है, वो कैसे बोलता है, दिखता कैसा है, उसके हाव भाव, उसके बोलने का तरीका, वो बात कैसे करता है, आपसे फ्री बात करता है, एकदम खुल के बताता है या कुछ छुपाता है, तो इससे भी हमें उसका स्वभाव, उसको उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन के बारे में पता चलता है. So here I am just presented the some various types of gates. Like ये पहली इमेज में पार्किंसिनिज्म का व्यक्ति किस प्रकार से चलता है. तो गेट बहुत ज्यादा
अलग अलग कंडीशन में अलग अलग गेट होती है, जैसे एटैल्जिक गेट होती है, वॉकिंग पेन इंजरी टू फुट एंकल, तो एटैल्जिक मतलब पेन, जैसे लंगड़ा कर पेन दर्द होता है चेहरे पर, इस तरह से वो चलता है। एटैक्सिक गेट यानी न्यूरोलॉजिकल साइन होता है एटैक्सिया, अल्कोहल पिया मतलब अल्कोहलिज्म में भी या मद्यपान कर कभी व्यक्ति आता है तो भी इसमें इस तरह की चाल हो सकती है। आर्थ्रोजेनिक यानी मतलब जो जॉइंट पेन होता है उसमें, ये भी एक गेट होती है। फिर ट्रेडलैंड बंक गेट होती है, जैसे पैरालिसिस में होती है ये गेट। फिर सीजर्स मतलब कैटवॉक, जैसे जैसे एक एक आगे दूसरा पैर, एक के आगे दूसरा पैर लेके अगर व्यक्ति चलता है तो ये सीजर्स, इसे सीजर्स गेट कहते हैं। वर्डलिंग गेट यानी जब अभी यहाँ पे मैंने बताऊंगी वर्डलिंग गेट, दिस टाइप ऑफ मतलब एक पैर से ऊपर करके अगर वो चलता है तो मसल्स में स्पाज्म आता है। तो इस प्रकार से ये स्पास्टिक है, सीजर्स गेट, तो चलता कैसा है व्यक्ति, सो देयर आर सो मेनी कंडीशंस कि किस प्रकार से उसकी चाल है, आकृति है, तो उससे भी हमें अलग अलग इसका पता चलता है। जैसे प्रकृति के बारे में भी हम इसमें ले सकते हैं, कफ प्रकृति का व्यक्ति एकदम धीरे से चलता है, धीमा चलता है, वात प्रकृति का फास्ट चलेगा बोलेगा। तो ना अष्टविध परीक्षा में नाड़ी मलमूत्र जीवा शब्द स्पर्श द्रुक आकृति, जैसे दशविध परीक्षा का महत्व है वैसे ही योग रत्नाकर ने कही हुई इन अष्टविध परीक्षा के बारे में, मतलब आयुर्वेद के हिसाब से क्या कैसे हमें पढ़ना है, इसे आयुर्वेद के हिसाब से क्या क्या परीक्षण करने हैं, और आधुनिक इसमें मॉडर्न के हिसाब से भी आजकल के जमाने में भी हमें इसको कैसे समझना है, इसके बारे में यहाँ पे मैंने विस्तृत वर्णन दिया है। एक्चुअली बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है ये, एक एक एग्जामिनेशन के पॉइंट के ऊपर भी हम एक एक घंटा बोल सकते हैं या इसके इतने डीप में जा सकते हैं। तो मुझे मतलब कहना ये है कि इस प्रकार से जो परीक्षाएं आयुर्वेद में बताई है उस उन परीक्षाओं को हमें अपनाना है, ना कि केवल सिम्टोमेटिक नहीं देखना है। तो मतलब हर एक रुग्ण हमारे पास आता है तो हमें उसे बैठा कर लिटा कर उसकी पूरी परीक्षा करनी है। पूरी परीक्षा करना केवल अपने समाधान के लिए, तो आप जब ये ऐसी परीक्षा करते हो ना तो आपका एक रुग्ण के साथ अच्छा एक नाता बनता है। बहुत बार मैंने देखा है, बहुत कंप्लेंट ऐसे आती है लोगों की कि इतना बड़ा डॉक्टर है लेकिन मुझे कुछ पूछा ही नहीं। आजकल तो फैशन है कि जब हम बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं तो असिस्टेंट डॉक्टर, ठीक है असिस्टेंट डॉक्टर भी हमारे जैसे ही डॉक्टर है, किंतु मुख्य जो डॉक्टर होता है उसको रुग्ण परीक्षा से ही आपका रुग्ण आधा मतलब अच्छा हो जाता है। आप उसको पूछोगे, उससे सवाल करोगे, उसके अलग अलग शारीरिक इसका परीक्षण आप करोगे, चेस्ट ऑस्कल्टेशन करोगे, एब्डोमिनल पल्पेशन करोगे, तो उसको अच्छा फील होगा और उसको लगेगा कि डॉक्टर ने पूरी तरह से मुझे मेरा एग्जामिनेशन किया, मेरा परीक्षण किया, मुझे तपासा, और उसको अच्छा महसूस होगा और वो एकदम निश्चित होगा, रिलैक्स होगा कि नहीं मतलब सारा परीक्षण कर लिया है। क्योंकि बहुत बार संकोच की स्थिति होती है तो कुछ बोला नहीं जाता, मतलब ऐसी भी कंडीशंस होती है साइकोलॉजिकली भी, कभी 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 भूल भी जाता है रुग्ण कुछ बताना, तो हमें इसीलिए रुग्ण को लिटा कर अच्छे से उसके सारे एग्जामिनेशन करना है, भले ही थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, किंतु नाड़ी मलमूत्र जीवा शब्द स्पर्श द्रुक आकृति सारे जो शारीरिक भाव है, मानसिक भाव है, और शारीरिक परीक्षा, ये शारीरिक परीक्षा करते समय हम जो बोलते हैं, जो क्वेश्चंस करते हैं, दर्शन करते हैं, स्पर्शन करते हैं, प्रश्न करते हैं, इससे हमें उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन के बारे में भी पता चलता है, उसकी मानसिक स्थिति के बारे में भी हमें पता चलता है। तो इस प्रकार से परीक्षा हमें करनी है, ना केवल चिकित्सक बनी तो परीक्षण करके ही हमें चिकित्सा करनी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द सेशन। थैंक यू ऑल।